अन्नू सिंह ठाकुर। पूर्व पार्षद अन्नू सिंह ठाकुर कांग्रेस के युवा नेताओं की अग्रिम पंक्ति में हैं। नगर निगम पार्षद के रूप में वह अपने कार्यों के माध्यम से सारे शहर में बेहतर राजनेता की छवि बनाने में सफल रहे। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि महिला वार्ड होने पर अपनी पत्नी को पार्षद का चुनाव जिताकर मतदाताओं का विश्वास अर्जित किया। अन्नू सिंह का सपना है कि जबलपुर मेट्रो शहर की तर्ज पर मॉडल शहर के रूप में विकसित हो सके और इसके लिए वह सतत प्रयत्नशील भी हैं। देखिए, बेसिकली कांग्रेस पार्टी से हम लोग बिलोंग करते हैं, हमारी फैमिली बिलोंग करती है। जब यहाँ पे पॉलिटिकल मूवमेंट चुनाव जो हुआ करते थे, हमारे जो पॉलिटिकल लोग यहाँ पर कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ते थे, विधानसभा या लोकसभा वगैरह, मैं उसमें रेगुलर काम करता रहता था और यहाँ पे मैं कांग्रेस पार्टी का एक सदस्य भी हुआ करता था। फिर जब उसके बाद विधानसभा चुनाव के बाद जब पिछले कार्यकाल में पार्षद की बात आई थी तो कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट दिया, मैंने पार्षद का चुनाव लड़ा। बहुत अच्छे से प्रयास किया कि हमारा जो नर्सिंग वार्ड है उसको मॉडल वार्ड बनाया जाए। उसके लिए मैंने भरसक प्रयास किए, काफी कोशिश करी। हम विपक्ष में थे, उसके बाद भी प्रयास करके यहाँ पे लगभग 4 करोड़ के काम हमने अपने वार्ड में कराए थे, जिसके चलते वार्ड अपने आप में आज एक शहर में स्थिति रखता है। बहुत अच्छा वार्ड नर्सिंग वार्ड माना जाता है और इस तरीके से मेरी पॉलिटिकल करियर चलता आ रहा है। अभी मेरी वाइफ जो है, मैं 600 वोट से चुनाव जीता था, उसके बाद दूसरी बार हम जब दोबारा इस वोट से चुनाव जीते तो 2100 वोट से चुनाव जीते थे। इसका मतलब पब्लिक ने हमको सराहा है, हमारे काम को माना है और हम लोग ने जो सेवा करी है वो ठीक तरीके से करी है और हम आगे और बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। आज मैं जिला कांग्रेस कमेटी का प्रवक्ता मुझे बनाया गया है। कांग्रेस पार्टी जो भी जिम्मेदारी पॉलिटिकल मुझे दे रही है, उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए हर समय तत्पर हूं, तैयार हूं। आज हमारा शहर बहुत पीछे हो चुका है। आज भी इतना पैसा केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने के बाद भी एक कस्बे का रूप जबलपुर शहर लिया हुआ है। हमारे ही प्रदेश में भोपाल शहर, इंदौर हमसे बेहतर हैं, लगा हुआ नागपुर जो महाराष्ट्र में है वो हमसे काफी ज्यादा डेवलप कर चुका है। हम बहुत ज्यादा अंडर डेवलप्ड हैं। आज भी जबलपुर की स्थिति बहुत खराब है। 2300 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने यहाँ पर हमको डेवलप करने के दिए। हम महानगर बनाने के लिए इतना पैसा बहुत पर्याप्त होता है, परंतु यह पैसे का यूटिलाइजेशन, क्योंकि दूरदर्शिता की हमारे यहाँ के भारतीय जनता पार्टी की जनप्रतिनिधियों की कमी होने के कारण किसी प्रकार से यह पैसा हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे यहाँ पे फ्लाईओवर्स की आवश्यकता है, एक बड़े इंटरनेशनल स्टेडियम की आवश्यकता है और ऐसे बहुत सारी चीजों की यहाँ आवश्यकता है जिनको लोगों की जरूरतें हैं, परंतु बेसिक आज भी पूरी नहीं हो पा रही है शहर में। महानगर बनाना तो एक बहुत अलग बात है, हम बेसिक नीड्स वाली जो चीज है आज उनको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। और जो कुछ भी डेवलपमेंट आज जबलपुर शहर में आप देख रहे हैं, सारा कुछ कांग्रेस के कार्यकाल का है। यहाँ पे जो पुराने फ्लाईओवर्स, चाहे शास्त्री में चाहे कछपुरा बना हुआ है, ये कांग्रेस का है। इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, यूनिवर्सिटीज हो, चाहे बरगी बांध बना हो, चाहे तिलवारा का पुल बना हो और चाहे जो भी वाटर सप्लाई जबलपुर शहर में आज भी हो रही है, ये सारी की सारी कांग्रेस के कार्यकाल की है। डेवलपमेंट के नाम पे जबलपुर बहुत पीछे है। यहाँ पे पार्टी से उठकर लोगों को सोचने समझने, दूरदर्शिता दिखाकर ईमानदारी से काम करने की आवश्यकता है। पैसे की कहीं कमी नहीं है, पैसे का दौर है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का दौर पूरे भारत देश में चल रहा है। हम चाहें तो बहुत अच्छे से जबलपुर शहर की तरक्की कर सकते हैं।